अब पांचवा नियम हो गया वक्ता के लिए, जो आपको कथा सुनाता है वो कैसा होना चाहिए? बोले वो ऐसा होना चाहिए जो भागवत का संपूर्ण ज्ञान हो जिसको, और सरल भाषा में आपको वो स्पष्टता से हर प्रसंग समझा सके। ये पांचवा नियम वक्ता के लिए होता है। तो उसी कथा को हम आज श्रवण करने के लिए बैठे हैं, जिसका नाम है भागवत की कथा। भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य और ता माने तप। भागवत का अर्थ है, इसमें भक्ति भी है, इसमें ज्ञान भी है, इसमें वैराग्य भी है और इसमें तपस्या भी है। तप, अगर हम 3 घंटे यहाँ आकर के बैठते हैं, 3.5 घंटे बैठ के कथा सुनते हैं, तो हम केवल बैठे नहीं है, हम तप कर रहे हैं। ये एक प्रकार से हमारी तपस्या है। अगर 3 घंटे हम बैठे हैं तो ये हमारी तपस्या है। तो वही कथा हम सुनेंगे। आइए 2 मिनट एक कीर्तन गा लेते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, कहते हैं कि भाई कीर्तन करना क्यों जरूरी है भागवत में? भागवत तो बिना कीर्तन के भी हो सकती है, बिना भजन के भी हो सकती है, लेकिन नहीं, ये जरूरी बताई नियम में कीर्तन। क्यों? क्योंकि हमको कथा सुनने में आलस्य आता है, आलस्य आता है। रावण कितना ज्ञानी था, रावण, रावण से कहते हैं रावण से बड़ा ज्ञानी आज तक हुआ नहीं। कितना विद्वान था और परम भक्त था वो, भगवान शंकर का परम भक्त, जिसने अपने शीशों को काट काट कर चढ़ा दिया भोले बाबा पर। ऐसा भक्त भी क्या कहता था? बोले मैं संसार का हर काम ऐसे चुटकी बजा के कर सकता हूं। रावण कहता था, रावण बोले मैं दुनिया का कोई भी काम ऐसे चुटकी बजा के कर सकता हूं, लेकिन एक काम नहीं होता। तो किसी ने पूछा क्या? बोले बस भगवान का भजन नहीं होता। और रावण कहता है कि होए भजन नहीं तामस देहा, क्योंकि उसका जो शरीर था वो क्या था? तामसी था, आलसी था, इसलिए वो दुनिया की कोई भी चीज कर सकता था, भजन नहीं कर सकता था। तो कभी कभी कथा सुनने में, भजन करने में हमको आलस्य बहुत आता है, और आलस्य को भगाने के लिए भगवान का नाम सबसे बड़ी औषधि है, सबसे बड़ी दवा है।